मेरा नाम राहुल कुमार शर्मा है। मैं सूरज स्टेमरिंग केयर सेंटर में 5 दिन पहले आया था। जब मैं पहले आया था तो मेरे नाम बोलने में बहुत दिक्कत होती थी। मेरे मुंह से ब्लॉकेज बनते थे, जैसे र र र। लेकिन अब मैं अपना नाम स्पष्ट बोल लेता हूँ और मेरी स्पीड पहले बहुत तेज़ थी, लेकिन अब मैं अपनी स्पीड पर कंट्रोल कर चुका हूँ। सूरज स्टेमरिंग सेंटर में अच्छे से सिखाया जाता है। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन, क, ख, ग, सबकी प्रैक्टिस आदि, एयर फ्लो सब अच्छे से बताया जाता है। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरिद्वार से आया हूँ। ये प्रॉब्लम कब से थी आपको? कितने साल से प्रॉब्लम थी? ये प्रॉब्लम मुझे बचपन से ही थी। अच्छा, आपकी शिक्षा क्या है, एजुकेशन? मेरी शिक्षा BSc+MBA है। अच्छा, अभी क्या करते हैं आप? मैं फिलहाल जॉब करता हूँ हरिद्वार अच्छा, में। तो जब आप आए थे तो आपसे नाम बोलने में दिक्कत थी जब मैं और आया था तब मेरे से नाम भी अच्छे से नहीं बोला जा रहा था, लेकिन समय कम होने के कारण मुझे यहाँ पर सिर्फ 4 दिन ही मिल पाए। अभी मैं सही से नाम ले लेता हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। क्या आप सूरज टेमरिंग केयर सेंटर को 100 में कितने नंबर देना चाहोगे? मैं सूरज स्टेमिन केयर सेंटर को 100 में से 85 नंबर देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। और जो आपकी प्रॉब्लम है तो कितने साल से प्रॉब्लम थी, कब से प्रॉब्लम थी? ये मेरे बचपन से ही प्रॉब्लम थी। पहले मेरे से नाम वगैरह कुछ नहीं बोला जाता था। खिड़की, ट्रेन आदि पर नाम, कहीं का टिकट लेना हो, कुछ नहीं बोला जाता था। स्कूल्स, कॉलेज सब जगह दबा दबा सा रहता था, लेकिन इन 4 दिनों में मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। बहुत बढ़िया। ज़्यादा कौन कौन से अक्षर बोलने में आपको प्रॉब्लम होती थी? मेरे को ज़्यादातर र बोलने में मेरी जीभ दब जाती थी। र, ल और स, स पर जाकर मैं स, स, स ऐसे करने लगता था, क्योंकि मेरे पापा का नाम सत्यपाल शर्मा है और मैं वहीं पर अटक जाता था। चलिए, और यहाँ जाने के बाद क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग है? आप भविष्य में क्या करना चाहोगे? यहाँ से जाने के बाद मैं अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के बाद अपनी जॉब को आगे जारी रखूँगा और अच्छी तरह इंटरव्यू दूँगा। चलिए, धन्यवाद।